नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रायसेन के गौहरगंज पुलिस ने किया 24 घंटे में लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार। रायसेन जिले थाना गौहरगंज में 22 जनवरी की रात ट्रक चालक से हुई लूट के मामले में 24 घंटे में गौहरगंज पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की कार क्रमांक MP04EB9356 क्लीनर तथा ड्राइवर के लूटे गए दोनों मोबाइल सैमसंग तथा वीवो कंपनी के कीमत 30,000 रुपये तथा पर्स काले रंग का बैग गाड़ी के कागजात तथा ड्राइविंग लाइसेंस लूटे गए। 5,400 रुपये में से खर्च के बाद बचे हुए 2,722 रुपये बरामद किए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गौहरगंज में पूर्व में भी छेड़छाड़ व लड़ाई झगड़े सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। अब्दुल्लागंज के SDOP मलकीत सिंह ने बताया कि मामले में वकील पिता वहीद खान उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम खरगोन थाना बरेली जिला रायसेन एवं सिराजुद्दीन पिता सैयद समसुद्दीन उम्र 37 साल निवाड़ी बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी आर के चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने सफलता प्राप्त करते हुए मुखबिर की सूचना पर हरियाली ढाबा बिलखेड़ी हाईवे रोड के पास से घटना के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। एक फरियादी ने थाना गौहरगंज में आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो मुर्गा मुर्गी का व्यवसाय करता, अपनी स्वराज माजदा गाड़ी से भोपाल और हरदा मुर्गे लेके गया था और वापस मुर्गे खाली करके जबलपुर की ओर लौट रहे थे। रात में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास हाईवे पे 34 मील के पास में दो लोग आए, उन्होंने अपनी कार इनकी गाड़ी के आगे फंसा दी और फिर इनकी गाड़ी रुकने के पास दोनों ने, जो ड्राइवर है दिनेश विश्वकर्मा और उसके साथी स्वरूप को, पकड़ लिया। उनके सर पे कट्टे जैसी कोई चीज अड़ा दी और कहा कि जो भी रुपए पैसे हैं तुम्हारे पास वो हमें दे दो। और उनके पास से करीब रखे हुए 5,400 रुपए, उनके दो मोबाइल और कुछ कागजात लेकर लूट करके चले गए। ये रिपोर्ट पे से थाना गौरगंज में अब लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई। थाना प्रभारी गौरगंज राजकुमार चौधरी, उप निरीक्षक संजय यादव और हमारे थाने के स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी का पता लगाया कि गाड़ी बरेली की निकली। उसके मालिक से पूछताछ करने पे पता चला कि एक आरोपी जो पकड़ में गिरफ्तार हुआ वकील नाम का, वो उनकी गाड़ी को किराए से लेके गया था। तो ऐसे करते आरोपियों का पता लगाया और घेराबंदी करके इन्हें तकनीक का प्रयोग करते हुए पता रसी करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास लूटे हुए रुपए और जो घटना में उनके द्वारा कार प्रयुक्त की गई थी मारुति एस्प्रेसो, वो और जो एक कट्टा जिसे अड़ा के उनके द्वारा लूट की घटना की गई थी उसे उनके पास से जब्त किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, अभी आज इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। और पहले भी चूंकि जो वकील है अभी कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले जेल से छूटा है, 354 के एक मामले में पंजीबद्ध हुआ था इसके विरुद्ध। और ये दोनों आरोपी इससे पहले भी गौहरगंज में एक मारपीट के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, तो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी इन आरोपियों का है।